हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड के मेरिट लिस्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिन्होंने अपना एंट्रेंस टेस्ट दिया होगा। तो वो सब स्टूडेंट वीडियो को कंप्लीट ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो और आपका कोई डाउट ना रह राइट। अगर किसी तरीके की डाउट आती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बीएड वाले स्टूडेंट्स वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा चैनल का ज्वाइन बटन आ चुका है। आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने के लिए हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा राइट। और आप हमें इन सभी सोशल मीडिया के थ्रू फॉलो कर सकते हो, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग जोधपुर और जयपुर के लिए बीएड के मेरिट लिस्ट को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स काफी परेशान हो रहे हैं, उनको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है राइट। और जाहिर सी बात है कि उनको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अगर आप यहां पे देखेंगे जोधपुर रीजनल सेंटर पे, तो कल ये आपका यहां पे बीएड का मेरिट लिस्ट अपडेट किया गया था 25 अगस्त को। बट आप यहां पे अभी देखें तो यहां पे आपका मेरिट लिस्ट आपको नहीं दिख रहा है। और चलिए देखते हैं जयपुर रीजनल सेंटर पे, तो जयपुर रीजनल सेंटर पे भी आप देख पाएंगे यहां पे बीएड का मेरिट लिस्ट आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पे बीएससी इन के लिए आपको मेरिट लिस्ट नजर आएगा, ठीक है। तो इससे स्टूडेंट्स काफी पैनिक हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको जोधपुर रीजनल सेंटर दिख रहा होगा, ठीक है, जोधपुर रीजनल सेंटर राइट। तो जोधपुर रीजनल सेंटर पे कल आप यहाँ पे देखेंगे 25 अगस्त को तो मेरिट लिस्ट अपडेट किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरिट लिस्ट ऑफ आरसी जयपुर एंड जोधपुर फॉर ऑनलाइन एडमिशन इन बीएड प्रोग्राम जनवरी 2021 सेशन राइट। और यहाँ पे 25 अगस्त, ओके। तो कल ये अपडेट आया था, बट अभी ये जोधपुर रीजनल सेंटर पर से डिलीट कर दिया गया है, अब यहाँ पे नहीं है। और ना ही जयपुर रीजनल सेंटर पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी नहीं है, ओके। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कल सर ने एक वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप फिर से एक बार सुन लेना, ठीक है। तो उसमें आपको बताया गया था कि नागपुर रीजनल सेंटर पे भी ऐसा हुआ था कि पहले बीएड का मेरिट लिस्ट अपडेट किया गया और उसको फिर से रिमूव कर दिया गया, और रिमूव करने के बाद फिर से उसको अपडेट किया गया, देन उसमें कटअप में थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया गया 1 मार्क्स का, ठीक है। पहले 1 मार्क्स कम था कटअप, तो बाद में 1 मार्क्स बढ़ा दिया गया। तो इसलिए हो सकता है जोधपुर रीजनल सेंटर पे से बीएड का मेरिट लिस्ट डिलीट कर दिया गया, यहाँ पे रिमूव है। तो ये जल्दी ही अपडेट किया जाएगा फिर से, और इसमें कुछ आपको चेंजेस मिलेगा, या 1-2 मार्क्स अप होगा या फिर डाउन होगा, तो कुछ प्रॉब्लम आया होगा, इस वजह से यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। क्योंकि नागपुर रीजनल सेंटर पे भी सेम ऐसा ही हुआ था। तो आप स्टूडेंट्स को अब पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्यों रिमूव किया गया है, ओके। और आप लोग कंटिन्यू ईमेल जरूर चेक करते रहिए, आपको ईमेल जरूर आएगा रीजनल सेंटर की तरफ से, जो आगे का आपको प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपको ईमेल आएगा राइट। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं मेरिट लिस्ट जो कल अपडेट किया गया था। रिमूव जरूर कर दिया गया है, बट इसी के आसपास आपका मेरिट लिस्ट रहेगा, 1-2 मार्क्स का डिफरेंस होगा, बट रहेगा इसी के पास। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लीजिएगा इस वीडियो को यहाँ से, क्योंकि हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। अब आप लोग पैनिक मत होइए, इसी के आसपास आपका डेटा रहेगा, इसको रिमूव किया गया है तो फिर से इसको अपडेट किया जाएगा राइट। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं। तो जनरल का आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जनरल कैटेगरी का जो कंफर्म मेरिट लिस्ट है वो 83 हाईएस्ट मार्क्स गया, ठीक है। मींस 83 से और नीचे भी आप देखेंगे तो सभी स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट कंफर्म मेरिट लिस्ट में नाम है। 78 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स इस लिस्ट में शामिल है, 76 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स शामिल है, 75 वाले मार्क्स का भी स्टूडेंट्स का इस कंफर्म मेरिट लिस्ट में नाम है। इस तरीके से आप देखेंगे तो लंबा सा पीडीएफ है आपका, क्योंकि आपको यहाँ पे जयपुर और जोधपुर दोनों रीजनल सेंटर के लिए मेरिट लिस्ट अपडेट किया गया है। तो जोधपुर और जयपुर दोनों रीजनल सेंटर के स्टूडेंट इस लिस्ट में आप अपना नाम चेक करिएगा। तो जनरल का आप अभी देख पा रहे होंगे 73 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट, 72 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स कंफर्म मेरिट लिस्ट में शामिल है। और लास्टली आप अगर देखें तो 72 ही चल रहा है, यहाँ से आपका 72 ही चल रहा है यहाँ पे भी। और यहाँ पे देखेंगे तो 72 के नीचे 71 मार्क्स वाले वेटिंग लिस्ट में, मींस 72 से प्लस जिनका मार्क्स है जनरल के अंदर, तो उनका कंफर्म मेरिट लिस्ट में नाम है। और 72 से नीचे मींस 71 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। वेटिंग लिस्ट का भी लंबा सा लिस्ट आपका दिया गया है जनरल के अंदर वेटिंग लिस्ट का, ठीक है। इतने सारे स्टूडेंट्स आप देखेंगे, लास्ट यहाँ पे वेटिंग लिस्ट खत्म होता है जनरल कैटेगरी का, जो कि 71 मार्क्स पे वेटिंग लिस्ट में राइट। तो जयपुर और जोधपुर दोनों रीजनल सेंटर के स्टूडेंट इस लिस्ट में अपना नाम चेक करेंगे,
और किसी तरीके की इश्यू होती है देन आप कमेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो ओबीसी के अंदर आप देख पा रहे होंगे हाईएस्ट मार्क्स जो है आपका 71 गया है। ठीक है, और 71 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का भी कंफर्म मेरिट लिस्ट में नाम है। आप देख पा रहे होंगे 70 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स कंफर्म मेरिट लिस्ट में ओबीसी के अंदर शामिल है। 70 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी कंफर्म मेरिट लिस्ट में शामिल है, आप देख पा रहे होंगे। बट यहां से 69 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को ओबीसी के अंदर वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। मींस 70 प्लस मार्क्स वाले या फिर 70 मार्क्स वाले ओबीसी के अंदर कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, और 70 से जिनका मार्क्स कम है मींस 69, तो ये सब स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। वेटिंग लिस्ट का भी आप देखेंगे तो लंबा सा लिस्ट है ओबीसी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप ओबीसी का वेटिंग लिस्ट खत्म हो जाता है 69 मार्क्स पे। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो आपका यहाँ से एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का स्टार्ट होता है। तो एससी में हाईएस्ट मार्क्स आपका 71 गया है एससी कैटेगरी के अंदर। तो एससी कैटेगरी के अंदर 71 हाईएस्ट मार्क्स गया है, और 70 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स इस कंफर्म मेरिट लिस्ट में शामिल है। 69 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स कंफर्म मेरिट लिस्ट में है एससी के अंदर, आप देख पा रहे होंगे। और यहां से आपका वेटिंग लिस्ट स्टार्ट हो जाता है एससी कैटेगरी के लिए जो कि है 67 मार्क्स। मींस 68 और 68 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट एससी के अंदर कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, और 67 मार्क्स वाले एससी कैटेगरी के अंदर वेटिंग लिस्ट में डाले गए हैं, जो कि एससी कैटेगरी का भी वेटिंग लिस्ट लंबा आपको दिख जाएगा यहां पे। ठीक है, तो 67 मार्क्स वाले स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में है। और नेक्स्ट कैटेगरी आपका एसटी कैटेगरी यहां से स्टार्ट हो जाता है। तो एसटी कैटेगरी के अंदर आपका हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 71 गया है, और 71 से कम मार्क्स वाले भी स्टूडेंट कंफर्म मेरिट लिस्ट में है जो कि 70 मार्क्स। और आप देख पा रहे हो 69 मार्क्स वाले भी एसटी के अंदर कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, और 68 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट कंफर्म मेरिट लिस्ट में है। और लास्टली आप यहां पे 68 मार्क्स में कंफर्म मेरिट लिस्ट देख पा रहे होगे एसटी के अंदर, राइट। और 67 से आपका एसटी के अंदर वेटिंग लिस्ट स्टार्ट हो जाता है। मींस 68 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, और 67 मार्क्स वाले स्टूडेंट एसटी के अंदर वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं, जो कि यहां से लेकर के आप इतने सारे स्टूडेंट्स जो है वो वेटिंग लिस्ट में है। यहां पे आपका लास्टली 67 पे वेटिंग लिस्ट एंड हो जाता है, राइट। और नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट हो जाता है आपका यहां से EWS के लिए। ठीक है, तो EWS में 71 मार्क्स आपका हाईएस्ट मार्क्स गया है, और 71 से नीचे वाले मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी इस कंफर्म मेरिट लिस्ट में शामिल है, जो कि है 70 मार्क्स वाले भी, 69 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट कंफर्म मेरिट लिस्ट में शामिल है, 66 वाले भी, 64 वाले भी, 65 वाले भी स्टूडेंट EWS के अंदर कंफर्म मेरिट लिस्ट में। इस तरीके से आप देखेंगे तो 62 मार्क्स वाले भी है शामिल है कंफर्म मेरिट लिस्ट में, 61 मार्क्स वाले भी, 60 मार्क्स वाले का कंफर्म मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है। लास्टली आप देखेंगे तो 59 मार्क्स वाले भी कंफर्म मेरिट लिस्ट में है। मींस 59 प्लस मार्क्स वाले सभी स्टूडेंट्स EWS कैटेगरी के अंदर कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, और 69 मार्क्स से कम मींस 68 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, आप देख पा रहे होंगे। तो वेटिंग लिस्ट आपका 4 ही स्टूडेंट्स है EWS कैटेगरी के अंदर। ठीक है, मींस 69 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, और 58 मार्क्स वाले को EWS कैटेगरी के अंदर वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। और देख लेते हैं अब नेक्स्ट कैटेगरी के लिए, पीएच कैटेगरी का आप देख लेते हैं। तो पीएच कैटेगरी के अंदर 72 हाईएस्ट मार्क्स गया है, आप देख पा रहे होंगे, और 72 से नीचे वाले मार्क्स का भी स्टूडेंट जो है वो कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, जो कि है 69 वाले भी, 68, 66, 66, 65 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, 60 मार्क्स वाले भी, 61 मार्क्स वाले भी, 60 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, जो कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे। ये है कंफर्म मेरिट लिस्ट लास्ट पीएच कैटेगरी का कंफर्म मेरिट लिस्ट। और 59 मार्क्स से पीएच के अंदर वेटिंग लिस्ट स्टार्ट हो जाता है, जो कि यहां से 5 स्टूडेंट को पीएच कैटेगरी के अंदर वेटिंग लिस्ट में रखा गया है जिनका मार्क्स 59 है। मींस 60 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट पीएच कैटेगरी के अंदर कंफर्म मेरिट लिस्ट में है, और 59 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। तो ये रहा आपका पूरा एनालिसिस मेरिट लिस्ट का, जो कि जयपुर रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स का भी इस लिस्ट में नाम होगा और जोधपुर का भी, इसलिए दोनों रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स इस लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक मैं वहां पे डाल दूंगी इस पीडीएफ को। आप लोग अपना इस लिस्ट में नाम चेक कर लीजिएगा, किसी तरीके की इशू होती है देन कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, स्टूडेंट्स ईमेल जरूर चेक करते रहिए, कंटिन्यू आपके आरसी की तरफ से आपको ईमेल आएगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, और नेक्स्ट आपका ऑफर लेटर अब आपके ईमेल पे आएगा। अगर आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे देन आपको ऑफर लेटर आपके ईमेल पे आएगा, इसलिए आप कंटिन्यू ईमेल को देखते रहिए। वरना कई स्टूडेंट्स ने ऐसा कमेंट भी किया था कि उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए उनको ईमेल आया और उन्होंने मिस कर दिया वो टाइम, तो ऐसे में आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू आप लोग ईमेल पे ध्यान दीजिएगा और ईमेल
को चेक करते रहिएगा, ठीक है। और किसी तरीके की इश्यू आती है देन आप कमेंट जरूर कर लीजिएगा। और आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने के लिए आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। किसी तरीके की इश्यू आती है तो कमेंट कीजिए। ओके, तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।